YouTube चैनल। तो आज हम आपको बताते हैं कि बैंगन का भरता कैसे बनाते हैं। तो इसमें अब हमने लिया है एक बैंगन जो कि है 1 किलो का, ठीक है। अब इसमें हम बीच बीच में कट करके लहसुन की कली डाल देंगे जिससे कि लहसुन भी इसके साथ भुन जाए और हमारा बैंगन भी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉर जी वाई प्रियंका। तो आज आप सीखेंगे कि हम बैंगन का भरता कैसे बनाते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और देखते वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि हम किस तरह से बना रहे हैं बैंगन का भरता। तो अब हमने धीरे धीरे करके इसके चारों तरफ लहसुन की कली डाल दी है और अब हमने इसको अच्छे से तेल वगैरह लगा के हमने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। इसके चारों तरफ तेल लगा के और इसको इस पर बैंगन को रख दिया है गैस पे फुल फ्लेम में और अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे बैंगन अच्छी तरह से भुन चुका है और जो इसमें लहसुन की कली थी उनको अब हम निकाल लेंगे और अच्छी तरह से बैंगन को छील लेंगे। मुझे थोड़ा जुखाम हो रखा है तो आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कोऑपरेट। तो अब हमने बैंगन को अच्छी तरह से छील लिया है। अब हमने लहसुन की 2 गांठ ली है उनको भी अच्छी तरह से छील लिया है। इसमें हमने लिए हैं 2 प्याज उनको भी बारीक बारीक तरीके से काट लिया है। 3 टमाटर लिए जिनको हमने पहले से ही धो लिया है अब, और 4 हरी मिर्च। टमाटर और हरी मिर्च को हमने अच्छी तरह से बारीक काट लिया है। अब हम कढ़ाई में लेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा मसाला रेडी कर लेते हैं तो इसमें अब हमने डाले 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और इसमें अब हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटी छोटी 2 चम्मच नमक ऐड करी है। अब हमारे यहाँ पे तेल गरम हो गया, इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को भुनने तक ये हमने लहसुन का पेस्ट बना रखा है तो ये डाल देंगे उनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब हम इनमें प्याज डालेंगे। ये भी गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये जो 4-5 हमने इसमें डाले थे इसको हमें ऐसे साबुत बैंगन में डाले थे इनको हम ऐसे साबुत। अब देखिए प्याज पूरी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। अब यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छी तरह से भून चुके हैं, प्याज टमाटर इसमें मिक्स हो गया है। अब हम बारी आती है तो जो हमने मसाला डाल के रखा था हम मजीद मसाला हम इसमें डाल देंगे। के लिए छोड़ देंगे।
अब यहाँ पर देखिए ये हमारा मसाला भी अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। मटर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालें तो सही है, वरना बिना मटर के भी बना सकते, लेकिन मटर डालने से एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो अब भून जाए, क्योंकि हमारे मटर का तो भुना हुआ है, उसको डालते ही दम ही लगेगी और मटर से अच्छी ना रहेगी, इसलिए हम इसको 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारी मटर अब भून चुकी है। तैयार हो गया, इसमें बैंगन ऐड कर, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जो ये हमारा भुना हुआ बैंगन था वो इसमें अब हम धीरे से ऐड करेंगे। हो चुका है रेडी। सो प्लीज गाइस, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए गाइस। प्रियंका फौजी वाइफ, फौजी वाइफ प्रियंका, चैनल को सपोर्ट कीजिए। सो और रेसिपीज ऐसे जानने के लिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम कर देते हैं गैस को बंद। ये हमारा हो गया बैंगन का भरता रेडी।